हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी की जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, वैसे ही आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको दर्द भी रहना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द एंड आपके कूल्हों में दर्द और आपके पैरों में दर्द, और साथ ही में किसी किसी की तो सूजन भी आ जाती है, जो कि ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नॉर्मल होता है। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो आपके दर्द होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि बढ़ते टाइम के अकॉर्डिंग आपका पेट बहुत ज्यादा निकलता है एंड आपके बच्चों का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये सारे दर्द आपको झेलने ही पड़ते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी में इन दर्द को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो करके थोड़ी बहुत राहत जरूर पा सकती हैं। तो सबसे पहली टिप है, वो है कि आप ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान हीटिंग पैड का बिल्कुल यूज कर सकती हैं, और इसको यूज करने से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आपको हीटिंग पैड को यूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा एंड कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी। वैसे तो आप हीटिंग पैड को डायरेक्ट भी अपनी बॉडी पर यूज कर सकती हैं, जैसे जहां पे आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो, या फिर आपकी कमर में दर्द हो रहा हो, या फिर आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, तो आप वहां पे बिल्कुल इससे जो है सिकाई कर सकती हैं, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में गर्म सिकाई देने से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बस आप ध्यान रखें कि आपको हीटिंग पैड पेट पर गलती से भी हीटिंग पैड नहीं लगाना है। पेट पर लगाने से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा और प्लस आपके लिए भी। आप इसको जो है ऑन करके 15 मिनट तक सिकाई करें एंड उसके बाद में आप बंद करके इसको उसके बाद 15 मिनट तक सिकाई करती हैं, तो इससे आपको दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप इसको किसी कपड़े में या फिर टॉवल, चादर या फिर कंबल में लपेट के यूज करती हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, और ये आपको उतना ही रिस्पांस देगा जितना कि आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगी। अगर आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से यूज करती हैं तो इससे क्या होगा, इससे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होती है वो आपके बेबी तक या फिर आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगी, तो इस दौरान ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आप हीटिंग पैड का यूज नहीं करना चाहती हैं, तो फिर आप जो है किसी बोतल में गर्म पानी भर के भी आप सिकाई कर सकती हैं, इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखें कि आपको हीटिंग पैड को यूज करते समय उसके टेम्परेचर का स्पेशली ख्याल रखना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है। एंड इसके अलावा आपको इसको गलती से भी लगाकर नहीं सोना है, अगर आप इसको लगाकर सो जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो आप इन बातों का ध्यान रख के बिल्कुल यूज कर सकती हैं। एंड दूसरी टिप है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी में गुनगुने पानी से नहाती हैं तो इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बट आप याद रखें, आपको गुनगुने पानी से नहाना है, ना कि गर्म पानी से। जो गर्म पानी होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से नहाती हैं तो इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और आप याद रखें कि आपको जब भी नहाना है तो आप हमेशा अपने पैरों से नहाना ही स्टार्ट करें, डायरेक्ट आप अपनी बॉडी पर कभी भी पानी ना डालें, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी में गुनगुने पानी से नहाती हैं तो इससे आपको थकान, टेंशन, स्ट्रेस और आपकी मांसपेशियों को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और इसके अलावा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्विंस प्रेगनेंसी में नींद आने की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी, और साथ ही ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान बंद नाक की समस्या हो जाती है या फिर एलर्जी होती है नाक में, और आपको छींक वगैरह आती है एंड आपकी नाक में खुजली होती है, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप ट्विंस प्रेगनेंसी में योग वगैरह बिल्कुल कर सकती हैं, बट याद रखें योग करना है ना कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना ट्विंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और याद रखें आप कोई भी योग करें बिना डॉक्टर की परमिशन के एंड बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिल्कुल भी ना करें, और आप पहले पूरी जानकारी कर लें कि कौन सा योग आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, वही आप ट्राई करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना करें। और जो चौथी टिप है वो ये है कि आप ट्विंस प्रेगनेंसी में मालिश बिल्कुल करवा सकती हैं, इससे आपको काफी ज्यादा दर्द में राहत मिलेगी। मालिश करवाने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बट याद रखें कि आपको मालिश के दौरान कोई भी पैर के पॉइंट और कोई भी हाथों के पॉइंट्स नहीं दबाने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान
अगर आप अनजाने में कुछ पॉइंट्स दबा देती हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रेक्शन भी पैदा हो सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इसलिए आपको ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल वाली मालिश करनी है और आप सरसों के तेल से बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे आप पैरों में कर रही है तो बस आपको सीधे सीधे पैरों में करनी है, ना कि कोई भी पॉइंट्स वगैरह दबाने हैं। एंड इसके अलावा आप अपने घुटनों पे बिल्कुल मालिश कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड आप अपने पेट पर अगर करती हैं तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करिएगा, दबाव बिल्कुल भी ना डालें, इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड इसके अलावा आप अपने हाथों पे भी बिल्कुल डायरेक्ट करवा लीजिए, आपको कुछ भी पॉइंट्स वगैरह नहीं दबाने हैं। और आप अपनी पीठ पर भी बिल्कुल मालिश करवा सकती हैं, बट याद रखें पीठ पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है एंड बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। और आपको गलती से भी पेट के बल लेट कर मालिश नहीं करवानी है, इन बातों का आप ध्यान रखें और आराम से करवा लीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पांचवी टिप से आप ट्वींस प्रेगनेंसी में भी जो प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली सपोर्ट वाली बेल्ट आती है आप उनको बिल्कुल यूज कर सकती है, लेकिन ट्वींस प्रेगनेंसी में बेल्ट का यूज करने से भी पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है एंड हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको बेल्ट यूज करनी चाहिए या फिर नहीं। जब आपके डॉक्टर आपको परमिशन दें तब आप बिल्कुल इजीली मंगा सकती हैं। और ध्यान रखें जो भी आप बेल्ट मंगाएं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो, ऐसी बेल्ट ना मंगाएं जो आपके बहुत ज्यादा टाइट हो एंड आपको अनकंफर्टेबल हो। और आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में 2 घंटे से ज्यादा बेल्ट का यूज नहीं करना है, और ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप बेल्ट पहन रही हैं वो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स देने के लिए होती है, ना कि आपको दिक्कत देने के लिए होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, आप जब भी बेल्ट को बांधें तो आपको पेट के ऊपर नहीं बांधना है, पेट को नहीं कसना है, और बहुत ही आराम से बांधें, पेट के निचले हिस्से में ही रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी तो आपका वजन बढ़ता है, वजन के साथ साथ आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होती है, प्लस बेबी की जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो इतना ज्यादा वेट हो जाता है कि आपके घुटनों में पैरों में उतना ही ज्यादा दर्द बढ़ने लगता है एंड आपकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा तिरछे होके एंड आपको कमर को पकड़ के चलना पड़ता है। तो अगर आप बेल्ट लगाती हैं तो आपको इस चीज से काफी ज्यादा राहत मिलेगी और आपका जो पेट एकदम से भारी भारी सा रहेगा, नीचे की तरफ लटका हुआ सा, उसमें भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा हल्कापन सा महसूस होगा। और ध्यान रखें आप हर समय बेल्ट ना लगाएं, जब आप कोई भी एक्टिविटीज करती हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है, जैसे आप टहलती हैं या फिर कोई भी काम करती हैं, तो आप उस समय बिल्कुल लगा सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।